एक तुम लेकर आया जो सारा जो तुम लेकर आया। मैं आप सभी से ये बार बार निवेदन कर रहा हूँ, प्रातःकाल से अनुशासन जो हमारे आर्य समाज में नहीं है, नहीं दिखता है, वो मुझे कार्यक्रम के अंत तक इसी प्रकार से दिखना चाहिए। आज अनुशासन, अनुशासन का अर्थ ये हुआ जब तक यहाँ शांति पाठ ना हो तो कुर्सी न चले। भोजन पर्याप्त मात्रा में है और आप सब लोग, हम सब लोग बहुत संपन्न परिवारों से हैं, भोजन आपकी आवश्यकता नहीं है, मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु जिस काम के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, अगर उस कार्य में विनय जी को सुनने में या मुझे अपनी एक पीड़ा कहने में, आर्य समाज के संगठन के पंजाब के स्तर कैसे काम करना है, थोड़ा समय लग भी जाए 10-15 मिनट ऊपर, डेढ़ बजे का ऊपर हो भी जाए, मन को साधना पूर्वक साधते हुए इस भाव के साथ बने रहना, ये अपने संगठन का कार्य है। अगर मैं यहाँ से हिलूँगा लोग हम ही आपस में कहेंगे कि आर्य समाज के संगठन में शांति पाठ से पहले ही, समाप्ति से पहले ही लोग लंगर हॉल में पहुँच जाते हैं। और ये कमियों को बोलते हुए हमें स्वयं शर्मिंदगी लगती है, हम इस संगठन के लोग हैं क्या कि हम शासन पूर्वक गंभीरता के साथ नहीं बैठ सकते हैं? दूसरों के संगठनों के हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वहाँ कितने पंक्तिबद्ध तरीके से लोग ध्वजा कर रहे हैं, कितना चल रहा है, तो कदम काल चल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, तो हमें चलने में समस्या क्या नहीं भाई, क्या हम अनुशासन पूर्वक नहीं बैठ सकते क्या? इसलिए दिक्कत है शरीर की, मन की।